दोस्तों आज के हम इस वीडियो में 13 ऐसे साइकोलॉजिकल फैक्ट के बारे में बात करेंगे जिसे जानने के बाद आप भी कहेंगे क्या बात है। नंबर वन, दोस्तों एटेलोफोबिया नाम की एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें इंसान को हर चीज या हर काम में परफेक्शन की कमी लगती है। मतलब ऐसे मनुष्यों को हर चीज में कमी ढूंढने की आदत होती है। दोस्तों ऐसे तो हम सभी किसी काम को एक दो बार रीचेक करने के बाद आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन इस बीमारी में लोगों को अपने मन से भी किए हुए काम में भी डाउट होता है, इसलिए वह बार बार चेक करता है कि कहीं हमारे काम में कोई कमी तो नहीं है। नंबर टू, दोस्तों कभी आप सैड या डिप्रेस फील कर रहे हैं या ज्यादा काम करने की वजह से इरिटेशन हो रहा है तो साइकोलॉजी कहती है इसके लिए आपको तुरंत एक या दो ग्लास पानी पी लेना चाहिए, क्योंकि पानी पीने से हमारे बॉडी में न्यूट्रिएंट्स और हार्मोन्स आसानी से फ्लो होने लगते हैं, जिससे हमारे ब्रेन में एंडोर्फिन जेनरेट होते हैं जिसके चलते आपको अपने आप 2-3 मिनट के अंदर अच्छा लगने लगता है। नंबर थ्री, दोस्तों ये तो आप जानते ही हैं कि हमें जिंदगी में सफल होने के लिए हर चीज का टाइम टेबल या रूटीन फॉलो करना चाहिए, लेकिन दोस्तों ये बात भी सही है कि हम टाइम टेबल के अनुसार अपना सब काम करना शुरू करते हैं तो कुछ दिनों बाद हम बोरिंग होने लगते हैं, मतलब हमें वह काम करना अच्छा नहीं लगता है। दोस्तों साइकोलॉजी ये कहता है कि आप अपने उस रूटीन को चेंज कर दीजिए, मतलब यदि आप सुबह उठकर पढ़ाई करते हैं और शाम को जिम करते हैं तो आप सुबह में जिम करिए और शाम को पढ़ाई करिए, इससे आपको उस काम में बोरिंग महसूस नहीं होगा बल्कि आपको उसी काम को करने के लिए आपको एक नई एनर्जी मिलेगी। दोस्तों आपको काम तो उतना ही देर करना है, बस उसी काम को रिप्लेस कर देना है। नंबर फोर, दोस्तों क्या आप ये जानते हैं महिलाएं पुरुषों की तुलना में कई कामों को एक साथ करने में सक्षम होती हैं। दोस्तों यदि आपको इस बात का प्रूफ चाहिए तो आप अपने किचन में जाकर इस बात को नोटिस कर सकते हैं, देख सकते हैं कि आपकी वाइफ या आपकी मम्मी खाना बनाते बनाते बाकी सारे कामों को भी वो टाइम पर ही कर लेती हैं। नंबर फाइव, दोस्तों क्या आपको पता है कि छोटे बच्चों का दिमाग बहुत तेजी से ग्रो होता है। साइकोलॉजी की एक रिपोर्ट के अनुसार 2 साल तक किसी भी बच्चे का दिमाग 80% डेवलप हो जाता है। दोस्तों इसलिए साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि पेरेंट्स को शुरू के 2 साल तक अपने बच्चों पर ज्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि इस उम्र में बच्चों को जो सिखाया और दिखाया जाता है उसी के अकॉर्डिंग उनका दिमाग आगे की लाइफ में डेवलप होता है। नंबर सिक्स, दोस्तों साइकोलॉजी का कहना होता है कि ह्यूमन ब्रेन बहुत ही आलसी होता है, ये हमेशा वहाँ से हट जाना पसंद करता है जहाँ उसे थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है या कोई टफ डिसीजन लेना होता है। एक स्टडी के अनुसार इंसान को जब कोई टफ डिसीजन लेना होता है तो ज्यादातर लोग बिना कुछ डिसीजन के ही पीछे हट जाते हैं। नंबर सेवन, दोस्तों आपने कभी न कभी जरूर एक काम को करते करते दूसरे कामों को भी उसी टाइम पर जरूर किया होगा, मतलब दोस्तों एक साथ दो दो कामों को आपने जरूर संभाला होगा, लेकिन दोस्तों क्या आपने कभी 3 कामों को एक साथ संभाला है? दोस्तों ऐसा बहुत कम बार ही हुआ होगा कि आपने 3-3 कामों को एक साथ संभाला हो। एक स्टडी में ये बात पता चली है कि अगर कोई व्यक्ति एक साथ 3-3 कामों को करता है तो इस बात के ज्यादातर चांस है कि पहले की तुलना में उन कामों में गलती होने के चांसेस 3 गुना ज्यादा हो जाता है। नंबर एट, दोस्तों साइकोलॉजी कहती है कि लड़कियां हमेशा अपने से बड़े लड़कों को ही पसंद करती हैं और वही लड़के अपने से छोटे लड़कियों को ही पसंद करते हैं। और दोस्तों ये चीजें तो आपने भी नोटिस किया होगा, लेकिन कुछ लड़कियां ऐसी भी होती हैं जो अपने से छोटे लड़कों को ही पसंद करती हैं। दोस्तों ऐसा ह्यूमन साइकोलॉजी के बिहेवियर के कारण होता है। नंबर नाइन, दोस्तों साइकोलॉजी की एक स्टडी में पाया गया है कि जो बच्चे अपने स्कूल टाइम में गुड लुकिंग या फिर दिखने में अच्छे होते हैं, साफ सुथरे रहते हैं, उन बच्चों को हमेशा स्कूल में बाकियों की तुलना में कम पनिशमेंट मिलती है, क्योंकि टीचर उन्हें होशियार, समझदार और पढ़ने वाला बच्चा समझते हैं। भले ही वह बच्चा पढ़ाई में अच्छा न हो, लेकिन वह ह्यूमन साइकोलॉजी का यूज करके हमेशा पनिशमेंट से बच जाते हैं। नंबर टेन, दोस्तों आपके साथ भी ऐसा कई बार हुआ होगा, ऐसा कई बार लगता है कि हमें कोई देख रहा है, लेकिन जब हम अपने आसपास देखते हैं तो कोई नहीं होता है। दोस्तों साइकोलॉजी कहती है कि ऐसी कंडीशन में 80% चांसेस होते हैं कि आपके दिमाग के अंदर कोई केमिकल लोचा हो रहा है जिसके चलते हमें ऐसा अनुभव होता है। नंबर 11, दोस्तों कैरसिनोफोबिया नामक एक ऐसी साइकोलॉजिकल डर होती है जिसमें इंसान को हर समय यह डर लगा रहता है कि कहीं उसके शरीर में कोई कैंसर की बीमारी तो नहीं हो रही है। दोस्तों इससे व्यक्ति बहुत ज्यादा उदास, डरा हुआ और डिप्रेस रहता है। दोस्तों कभी कभी यह फोबिया इतना हावी हो जाता है कि इंसान को नॉर्मल लाइफ जीने से रोक देता है और इसे कैंसर फोबिया के नाम से भी जाना जाता है। नंबर 12, दोस्तों साइकोलॉजी की एक रिसर्च के अनुसार यदि व्यक्ति कोई नई नई चीज खरीदता है तो वह उस चीज को लेकर 1 सप्ताह तक या कुछ दिन तक एकदम सावधान रहता है। वह उस चीज की बहुत ज्यादा केयर करता है, उसके बाद वह नॉर्मल हो जाता है और फिर उसका इतना केयर नहीं करता है, क्योंकि लोगों के अंदर नई नई चीजों का एक्साइटमेंट कुछ दिनों तक ही रहता है। नंबर 13, दोस्तों ह्यूमन साइकोलॉजी कहती है कि लड़कों को एक से ज्यादा कितनी बार भी लड़कियों से प्यार हो सकता है, लेकिन लड़कियों को 1 या 2 बार से ज्यादा प्यार नहीं हो पाता है, इसलिए लड़कियां अपने पहले प्यार के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहती हैं। दोस्तों लड़कियां ये कभी नहीं चाहती हैं कि कोई भी उनके लाइफ में इंटरफेयर करे। वहीं लड़कों को 1 या 2 बार ब्रेकअप के बाद 3री और 4थी बार भी आसानी से प्यार हो जाता है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा, जिससे कि हमारी वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो फिर हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।